ठंडियों का मौसम आते ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल ठंड के कारण खून की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण ब्लड का बहाव धीमा पड़ जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दोहरा पड़ने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। यदि आप भी हार्ट अटैक मरीज हैं तो आयुर्वेद की माने तो सुबह से 2 पोथी कच्चे लहसुन की चबाकर खाएं, योग और व्यायाम जरूर करें ताकि खून गाढ़ा ना हो पाए। ठंड में जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो बढ़ जाता है। जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है उनके लिए तो खास हिदायत होनी रहती है कि ठंड में आप अपने आप को गर्म रखें, और क्योंकि क्या होता है ठंड में ब्लड वेसल्स जो अपनी धमनियाँ होती हैं या शिराएँ होती होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ठंड में, यानी कि उनका ल्यूमन जो होता है वो छोटा हो जाता है, ब्लड फ्लो होने में हार्ट को उतना ही काम करना पड़ता है। तो ठंड में अपने शरीर को गर्म रखें, वॉक करें और गर्म चीज़ें जैसे कॉफ़ी हो गया और गर्म चीज़ों का जो गर्म तासीर वाली जो चीज़ें होती हैं, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और कैप्सिकम हो गया, इसके अलावा जैसे आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, केसर का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा त्रिकटू का उपयोग किया जा सकता है, हमारे यहाँ सॉस मरीज के लिए का उपयोग किया, इन चीज़ों का उपयोग करते रहें और निरंतर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते रहें जिससे आप हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं। मेनली अपन को ठंड को बचाना है, अपने शरीर को गर्म रखना है।